गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। नमस्कार, मैं हूँ रौनक, हेल्प आर्टिस्ट इंडिया से। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हेल्प आर्टिस्ट इंडिया सभी कलाकारों की मदद करता है, तो सबसे पहले मैं विजय शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने स्टूडियो में। तो आइए चलते हैं और जानते हैं ये कहाँ से चलकर आए हैं और क्या मकसद है इनका। जी, थैंक यू सो मच। मैं जलगांव महाराष्ट्र से आया हूँ जी। मैं एक सिंगर हूँ और मैं सिंगिंग के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हेल्प आर्टिस्ट इंडिया मेरी कुछ मदद कर सकता है इस बारे में। तो तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी क्या गाते हैं आप और क्या फॉर्म है आपका। जी, मैं सभी तरह के गाने गा लेता हूँ, क्लासिकल, चंद हिंदी। लाइनें सुना दे आप। जी बिल्कुल। बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए। तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, हिस्से में फासले भी तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूँ, तेरा गुरूर हूँ। आ तू फासला मिटा, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूँ। बहुत खूब। तो विजय जी, आपने गाना तो बहुत शानदार गाया, मगर आजकल के जनरेशन बिना कहीं ना कहीं 90s को या 60s को फॉलो करती है, जी बिल्कुल। तो एक उस एरा का कोई गाना आप सुनाते हैं। जी बिल्कुल, सुनाना चाहूंगा। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही दामन बचा लूं हसीनों से मैं, तेरी कसम तररा, ख्वाब में भी तररा, बिछता फेरा नाजनीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्दे जिगर, सुन जरा हो बेखबर, चला ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा गाना गाया आपने। थैंक यू सो मच। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आप इतने दूर से आए, बहुत उम्मीदों के साथ आए, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि आप हेल्प आर्टिस्ट इंडिया से और क्या उम्मीदें रखते हैं। जी देखिए, मैं जलगांव महाराष्ट्र से आता हूँ और एक मैं गरीब परिवार से आता हूँ, तो मैं बड़ी उम्मीद लेके आया था यहाँ पर। और लेकिन मुझे यहाँ पर आने के बाद बड़ा बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि मुझे अब वाइब पॉजिटिव आ रही है कि मेरी यहाँ पे जरूर कुछ ना कुछ मदद होगी। तो हेल्प आर्टिस्ट इंडिया जो है वो बहुत ही ऑलरेडी अच्छा काम कर रहा है, मैंने जिसके बारे में बहुत सुना था। तो मुझे बहुत यहाँ पे आके बहुत खुशी महसूस हो रही है और मुझे लगता है कि मेरी यहाँ पे जरूर मदद होगी। बहुत जल्दी हेल्प आर्टिस्ट इंडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म ही देगा और साथ साथ इनको काफी आगे तक ले जाएगा। यह हेल्प आर्टिस्ट इंडिया का आप सभी से वादा है।